नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष। आज हम आपके दूसरी वीडियो लेकर आए जिसकी इंस्टॉलेशन स्पीडोमीटर की इंस्टॉलेशन करके दिखाएंगे आज उसके साथ, और फुल रिव्यू दिखाएंगे इसका किस तरह इसको इंस्टॉल किया जाता है। सो गाइस, ये है हमारा मैग्नेटिक सेंसर। पहले हम इसको इंस्टॉल करके दिखाते हैं कि किस तरह इसको इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल हो गया इसको इसकी कम दूरी के साथ 3 मिलीमीटर या 4 मिनट के साथ ही करना पड़ेगा। इसको टाइट कर देते हैं इसी तरह से। ये हमारा मैग्नेटिक सेंसर इसके साथ है, डबल साइडेड है। तो पहले इसको दोनों तरफ से निकाल लेते हैं और फिर इसको इसके साथ ही अटैच करना पड़ेगा। इसके उसकी तार के साथ ही इसकी दोनों तरफ से अच्छी तरह से दबा कर दें। दोनों को अच्छी तरह से टाइट कर दिया गया। तो हमने इसके लिए सेट कर दिया। इसलिए मैं इसे साथ कर लूँ और इसकी वायर को हम इसके वायर के साथ ही साथ ऊपर ले गए। तो हम इसके साथ मिलकर इसके साथ में मिलकर ले रहे हैं और इसके लिए सच मिल सकते देखते हैं किस तरह से छोड़ दिया जाए। तो हमने इसके टायर के सही को माप लेने थे और फिर इसका मेजरमेंट करना पड़ेगा। आप बीच में से पूरा इसके टायर के साइज को माप लेना जो कि हमारा 70 आता है। इसके बीच में से अच्छी तरह से माप लेना जो कि 70 के करीब आएगा। रोक दे, हो गया। तो हमने इसकी मेजरमेंट किया था तो उसका 70 आता। 70 को 3.14 से चेक कर लेंगे कि हमारा है 219। तो इसका हम उसके अंदर है भी स्पीडोमीटर के अंदर गैस करेंगे। इसको इसकी एक्यूरेट करने के लिए दोनों बटन को प्रेस करो, ये टाइम रुक देने में। सो गाइस, तो हमारा इसका फुल इंस्टॉलेशन हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये साइकिल 3 सेकंड के अंदर ये मीटर अपने आप ऑन हो जाता है और किस तरह इसकी स्पीड टेस्ट करके देखते हैं एक बार।